मैं पंचकुला हरियाणा से आया हूँ, 250 किलोमीटर फ्रॉम हियर। गाड़ी का लुक ही चेंज हो चुका है। आई थिंक अब तो अगर मैं घर पे लेके जाऊंगा, घर वाले शायद गाड़ी को पहली बार में पहचाने भी ना। देखो इनके जो बच्चे लोग हैं काम करने वाले, इनका हाथ खुल चुका है, बिकॉज ये नंबर ऑफ व्हीकल्स बहुत है। इनके पास इनोवा हाई क्रॉस ही आ रही है। अभी सेटिस्फाइड हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका न्यूनोटो जोन में। मैं योगेश शर्मा, गाड़ी खड़ी है आपके सामने वाइट कलर में, टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस। और इस टाइम ये गाड़ी दोस्तों खड़ी है करोल बाग में, सोन मून कार एक्सीज के पास, और करोल बाग में है। और दोस्तों गाड़ी है बेस वेरिएंट, तो बेस वेरिएंट है, करोल बाग में है, तो दोस्तों टॉप की तरफ तो जानी है। तो बेस टू टॉप आज दोस्तों गाड़ी में काम हुआ है। जी एक्स वेरिएंट है, जेड एक्स ऑप्शनल से भी ऊपर जा चुकी है, यानी जेड एक्स ऑप्शनल टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस का टॉप वेरिएंट है। उससे ऊपर इस गाड़ी में कोई वेरिएंट नहीं आता, पर उससे भी ऊपर तक जाकर जो है उस गाड़ी में आज दोस्तों काम हुआ है। चलिए दोस्तों डिटेल में बात करेंगे क्या क्या आज इस गाड़ी में काम हुआ है, बात करेंगे यानी इस शॉप के ओनर से, वो ये मैं तरीके से बता पाएंगे कि आज उन्होंने किस तरीके से ये टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस को बेस्ट टू टॉप जो है लेकर गए हैं। मानू भैया कैसे हो? नमस्कार, बहुत बढ़िया। आप बताओ योगेश, क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया। आज फिर से वाइट कलर में खड़ी है आपके पास टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस। बिल्कुल। और ये बेस वेरिएंट है? बिल्कुल, ये टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस का बेस मॉडल यानी कि GX मॉडल है। 8 सीटर कार है। गाड़ी आई है पंचकुला से और ये गाड़ी बिल्कुल टाइम पे आ गई थी, 8:30-9 बजे तक पहुंच गई है। और अभी आप टाइम देखेंगे तो 9 बज गया, लेकिन काम भी पूरा फाइनली कंप्लीट हो गया इस गाड़ी में। तो इस गाड़ी में क्या क्या लगाना पड़ता है फ्रंट से, जैसा कि यहाँ पे आप देखेंगे ये गाड़ी ZX-O है और इसमें जो फिटिंग हो रहा है फ्रिज फिटिंग हो रहा है, आप वो देख पाएंगे इसमें। अच्छा, इसमें फ्रिज फिटिंग हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहाँ पे इसमें फ्रंट रन लगा दिए गए हैं। हाँ जी, ये प्रोजेक्टर लाइट जो है ये लगा दिए गए हैं, बहुत पावर वाला प्रोजेक्टर लाइट है। हेडलाइट में रोशनी नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है, पर इसमें लगा दिए गए हैं पावर वाला प्रोजेक्टर फोग लैम्प। कितने वाट? ये है 100 वाट का। 10 वाट और बढ़ा दिया? हाँ, 10 वाट और बढ़ा दिया। और ये रोशनी जो है ना 10 वाट की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे देखेंगे तो ये यू क्रोम लगा दिए गए हैं इसमें। अच्छा, ये यू क्रोम भी? और यहाँ पे ये ग्रिल क्रोम, यू क्रोम विद ग्रिल क्रोम, और ये बोनट लेटर, बोनट लेटर विद ग्रिल क्रोम। बिल्कुल। हाँ जी, यहाँ पे सेंसर जो है फ्रंट सेंसर भी लगाए गए हैं। अच्छा, ये वाइट वाइट है? हाँ, फ्रंट सेंसर और बैक सेंसर दोनों सेंसर जो है इस गाड़ी में लगाए गए हैं। यहाँ पे लगाए गए हैं डे टाइम रनिंग लाइट जो कि ये इसमें फिटिंग कर दिए गए हैं, ये आप देख पाएंगे। यू मींस DRL है? बिल्कुल। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये व्हील आर्क, इसमें व्हील आर्क फिटिंग कर दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रॉपर नक्के वाशर के साथ फिटिंग किए जाते हैं। अच्छा, ये पकड़ जो देखोगे ना काफी बढ़िया हो गया है इसमें पकड़, मतलब ये कभी निकलने वाला नहीं है। और ये फिटिंग जो है 0-0 फुटरेस फिटिंग कर दिए गए हैं। और यहाँ चढ़ के दिखाओ मुझे एक बार, चढ़ जाओ। चढ़ना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, चढ़ना जरूरी है। ये देखिए क्या बात, ये बिल्कुल इस पे मैं चढ़ गया हूँ, मतलब ये इतना लगा दिया हूँ फुटरेस्ट। देखिए आज का जो ये ब्रैकेट निकला है ना, आज 4-5 सेट ये निकला हुआ है आज, आज का है, आज आज में इतने लगा दिए। हाँ हाँ, वो तो लगता ही रहता है क्योंकि हाई क्रॉस में फुटरेस्ट 90% लोग लगवाते हैं और 0-0 फुटरेस्ट तो लगवाते ही लगवाते हैं, इसीलिए उतना ब्रैकेट बचा है। यहाँ पे देखेंगे तो ये डोर गार्ड लगाए गए हैं, ये ब्लैक कलर का डोर। और ये आपको पता है, ये देखेंगे तो ये फेंडर लगा दिए गए हैं। और ये हाइब्रिड कैसे लगाया मुझे ये बताओ, ये हाइब्रिड मतलब बैटरी फिट कर रहे हो क्या? नहीं नहीं, बैटरी नहीं लगाया हूँ। हाँ। उनका रिक्वायरमेंट था कि मुझे हाइब्रिड का स्टिकर लगा दे। यहाँ पे लोअर विंडो गार्निश लगा दिए गए हैं, इसमें हैंडल क्रोम लगा दिए। देख सकते हैं जो टॉप मॉडल सामने खड़ी है, मैं कहता हूँ उससे ज्यादा ये अपडेट हो गया है। यहाँ पे इसे हम बोल सकते हैं डोर वाइजर लगा दिए गए हैं, रूफ रेल जो है ये भी इसमें लगा दिए गए हैं, और इसमें ट्रिपल लेयर का डैम्पिंग किया गया है। ट्रिपल लेयर में जी डैम्पिंग किया गया है, और डैम्पिंग करने से जो बाहर की नॉइसें हैं वो अंदर नहीं आती है, और जो हमारा स्टॉक में स्पीकर आता है उसकी जो क्वालिटी है काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है, जैसा कि आप देख पाएंगे फर्क है। मैं अगर बोल रहा हूँ तो फर्क है। आइए मैं एक बार बैक साइड लेके आता हूँ। तो बैक साइड इस मॉडल में बहुत बुरा रहता है जब ये दो लाइट जो है आपके नहीं जलते हैं। यहाँ पे GX मॉडल में क्रोम जो है क्रोम लगाना ही पड़ेगा, उससे अच्छा ये आप लाइट लगा दीजिए ताकि आपकी गाड़ी कनेक्टिंग हो जाए और लुक काफ़ी प्यारा सा जो है वो दिखने में लगे। देख सकते हैं कुछ ओवर नहीं लग रहा है, पर बहुत ही प्यारा ये वाला लाइट जो है ये लग रहा है। मतलब ये लाइट तो हर गाड़ी में कर रहे हो इंस्टॉल है, मतलब हाँ 60% तक आ गया ये। अभी कनेक्टिंग टेल लाइट की जगह ये आ गई है,
कई लोगों का अपना अपना पसंद होता है कि हम अपना ओरिजिनल स्टॉक वाला क्यों हटाएं, पर कनेक्टिंग करना है तो एक अच्छा सोल्यूशन जो है ये वाला मिल गया, क्योंकि बहुत ही प्यारा लग रहा है ये वाला लाइट। मतलब कनेक्टिंग टेल लाइट की जगह इसने ले लिया, कनेक्टिंग टेल लाइट जगह नहीं लिया है, अभी अल्फार्ट लाइट है, कनेक्टिंग टेल लाइट वो कम चल रहा है थोड़ा, पर ये वाला लाइट जो है अभी ट्रेंडिंग में है। आप देख रहे हो ना, यहाँ पे बैक रन लगा दिए गए और बैक सेंसर भी लगा दिए गए हैं। बैक रन विद बैक सेंसर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मतलब फ्रंट व्हाइट है तो उसमें व्हाइट लगाए गए हैं, और बैक जो है अपना ये देखेंगे ब्लैक और ये व्हाइट। ये रिफ्लेक्टर्स तो कुछ नए से लगे। हाँ, ये रिफ्लेक्टर लाइट जो है ये लगाए गए हैं। यहाँ पे ये डिक्की में भी बूट मैट डाल दिए गए हैं, ईगल जी। और ये मैट जो है ये आता नहीं है, आपका ट्रे जो है, ट्रे नहीं आता ये। अच्छा, ये ट्रे भी लगाइए। ये ट्रे जो है, ठीक है, ये ट्रे लगा दिए इसमें। और यहाँ पे जो ये लाइट है हैलोजन आता है, इसे एलईडी बेस्ड एलईडी में तब्दील जो है कर दिए, ठीक है। और आइए हमारे साथ इंटीरियर में, हम आपको इंटीरियर दिखाते हैं। तो इंटीरियर में खोलते ही यहाँ पे हाई क्रॉस का प्यारा सा शेडो लाइट मिल जाएगा। आप देखिए ना, शेडो लाइट। ओहो, अच्छा, ये शेडो लाइट हाई क्रॉस लिख दिया। बिल्कुल, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एम्बियंट लाइट और डोर पे लेदर रैप जो है ये कर दिए गए हैं, आइस ग्रे में। और ये वेलकम लाइट बीच में लगाए गए हैं, डोर पे लेदर रैप और ये हाइड्रो डिप पेंट जो है ये किए गए हैं। अच्छा, ये सारी चीजें चाहे टॉप हो चाहे बेस, सारे में बेस मैट ब्लैक में आती हैं। हाँ हाँ, मैट ब्लैक में आती है। हाँ, टॉप मॉडल में और VXO में ये एरिया जो है इंफोटेनमेंट का वो आपका पियानो में आता है, बट GX और GXO में नहीं आता है, जिसे हम लोग कर देते हैं। बाकी बात कर लेते हैं तो इसमें एम्पलीफायर जो है वो भी फिटिंग किए गए हैं, और एम्पलीफायर इसके अंदर फिटिंग किए। अच्छा, वही मोनो वाला। हाँ, वो मोनो वाला जो है इसके अंदर फिटिंग किए, क्योंकि वायरिंग पीछे ले जाना थोड़ा तकलीफ, और यहाँ से हवा भी आएगा एम्पलीफायर में, है ना। हाँ जी, एसी का हवा भी उसे मिलेगा। बात कर लेते हैं, इसमें मैट जो है मैट डाल दिए गए हैं, और एक जो सबसे टॉप मॉडल की तरफ जो जाता है ना, क्रूज कंट्रोल, वो इसमें फिटिंग कर दिए गए हैं। मतलब गाड़ी में क्रूज कंट्रोल्स भी जो है इंस्टॉल कर दिए हैं। बिल्कुल ठीक है, टॉप मतलब कोई कमी नहीं रही अब तो, कोई कमी। एक यही चीज रह जाती है, वो भी कर दी, वो भी कर दिया मैंने। बहुत मतलब मैं बताऊँ, मेरा प्रयास होता है कि अच्छा से अच्छा और बनाने का। और ये डिजाइन, इस डिजाइन को हम कौन सा डिजाइन बोलते हैं सीट कवर में, क्या लहरी, लहरी डिजाइन, करेक्ट, आपको याद हो गया। तो ये देखेंगे कितना प्यारा लगता है लहरी, यानी आइस ग्रे विद ब्लैक, और ब्लैक जो फॉर्मेट डिजाइन है वो लहरी है, लहरी है परफोरेटेड के साथ फिटमेंट फिनिशिंग, और यहाँ पे सॉफ्ट टच जो है ये प्रॉपर आपको मिल जाता है। आप फिटिंग देखेंगे तो कहीं से भी रिंकल आपको नहीं देखेगा। हेडरेस्ट पे भी फिनिशिंग देखेंगे जो कि डबल फिनिशिंग है, और सीट कवर पे तो मैं विशेष ध्यान देता हूँ, क्योंकि पूरा गाड़ी जो है मॉडिफिकेशन एक तरफ, मेन जो निकल के आता है वो सीट कवर से निकल के आता है, तो सीट कवर पे तो विशेष ध्यान जो है हम बनाए रखते हैं। स्टेयरिंग रैप भी मून डिजाइन में ये भी कर दिए गए हैं। अच्छा, स्टेयरिंग भी मून डिजाइन जी में। और यहाँ पे देखेंगे तो कुछ एरिया जो है यहाँ पे छूट जाता है हाइड्रो डिप के लिए, लेकिन हम लोग इसे भी कर देते हैं, और इसमें एलईडी जो है वो भी चेंज कर देते हैं। मीटर वाला एरिया जो है इस पे भी हम लोग कर देते हैं। ठीक है जी, चलिए गाइस सेकंड रोंग और बात करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी शेडो लाइट आपको प्रॉपर मिलेगा, और एम्बिएंट लाइट जो है ये स्विच के थ्रू बटन के थ्रू मिलेगा डैशबोर्ड पे, जैसे डोर पे लेदर रैप जो है ये भी प्रॉपर मिलेगा आपको इसमें, और 8 सीटर का जो सीट कवर है आपको ऐसा मिलने वाला है। 8 सीटर दी है। बिल्कुल, ये 8 सीटर थी, और बहुत ही प्यारा फिटमेंट किया गया। ये कंसोल है, आर्मरेस्ट है, ये सारी चीजें जो है इस तरीके से इसमें फिटिंग किया गया है। और आप थर्ड रो देखेंगे तो थर्ड रो का भी फिनिशिंग काफी प्यारा मिल जाता है आपको, और ये पॉकेट पे भी आपको यहाँ पे देखेंगे हम लोग प्लास्टिक लगा देते हैं ताकि ये काफी मजबूत रहे। बिल्कुल, आज मतलब बेस टू टॉप से भी टॉप मतलब काम हुआ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टॉप से टॉप आप बोल सकते हैं वो काम हुआ है इस गाड़ी में। मेरा प्रयास होता है और अच्छा करने का, अगर देखो थोड़ा बहुत अगर कमी रह जाती है, मंथन करके हम उसमें विचार करते हैं और प्रयास करते हैं कि और अच्छा से। मेरा प्रयास होता है किसी भी काम को एक प्रोजेक्ट की तरह करो, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, काम को मन से कीजिए, आपको काम में बहुत मज़ा आएगा और काम भी अच्छा होगा। तो बताइए फिर मोनू भाई, आज बेस टू टॉप यानी GX2ZX ऑप्शनल आज आपने काम किया, और आइस ग्रे यानी फुल इंटीरियर आपने चेंज किया। हमारा प्रयास नहीं होता है कि GX2ZX में जाना, हमारा रास्ता अलग होता है। अच्छा, रास्ता अलग है, अच्छा अलग करते हैं, उसे अच्छा करते हैं, तभी बात बन पाती है। बिल्कुल जी, तो बताइए हमारे जो बेस वेरियंट वाले जो व्यूअर्स आज आपको देख रहे हैं, उन्हें कहाँ आना होगा टॉप वेरियंट बनाने के लिए? बिल्कुल, आप आइए, आपका स्वागत है सोनमोन कार एसेसरीज, शॉप नंबर 4849 गुरुद्वारा रोड करोल बाग न्यू दिल्ली।
नियर बाई करोल बाग मेट्रो स्टेशन और होटल ब्लूम हमारे बिल्कुल नज़दीक में है। आप फ़ोन करके बुकिंग करा के आ सकते हैं और ऐसा काम करवा सकते हैं जैसा कि भैया ने काम करवाया है। बुकिंग करा के आए थे, हमेशा टच में थे, बात करते थे, बताते थे कि मैं इस दिन आऊँगा, तो उस दिन आए और काम इनका बहुत अच्छे से हो गया। बहुत पेशेंस से सारा दिन भैया बैठे रहे और उनका काम बहुत बढ़िया हो गया। एक कॉन्टैक्ट डिटेल और दो फिर। जी मैं आपको नंबर बता दूँ, 9911766958 नंबर रिपीट कर देता हूँ, 9911766958। ओके थैंक यू मोहन भैया, मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। एक बार गाड़ी का ओनर से जानता हूँ 100% आप उनसे जानिए कि बेस्ट टॉप काम करा के उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। डन सर, बहुत बढ़िया, आप बताइए। बहुत बढ़िया। तो सर आज आपने करोल बाग में आकर अपनी टोयोटा इनोवा आई क्रॉस का बेस्ट टू टॉप काम कराया, यानी GX2ZX काम कराया, तो सबसे पहले आप बताइए सर आप आए कहाँ से हो? मैं पंचकुला हरियाणा से आया हूँ। अच्छा पंचकुला हरियाणा। 250 किलोमीटर फ्रॉम हियर। 250 किलोमीटर से आप आए, यानी 250 किलोमीटर दूर से आप आए हैं। तो सर क्या एक्सपीरियंस रहा आज आपने कुछ बहुत सारा काम जो है इस शॉप पर आकर कराया है, तो कुल मिलाकर यानी चीज़ों को देखते हुए क्या एक्सपीरियंस रहा? देखो अगर लुक की बात करें, गाड़ी का लुक ही चेंज हो चुका है। हाँ जी। क्योंकि बेस में आपको पता है बहुत कुछ मिसिंग है जो कि ऑफकोर्स हमें चाहिए आफ्टर मार्केट। हाँ जी। तो बहुत कुछ डला है, आई थिंक अब तो अगर मैं घर पे लेके जाऊंगा घर वाले शायद गाड़ी को पहली बार में पहचाने भी ना। क्या बात है। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत अच्छा काम हुआ है और इस वक्त यही कह सकूंगा, बहुत खुश हूँ मैं। और जो क्वालिटी किस तरीके की लगी आपको, जो एक्सरसाइज इंस्टॉल हुई उनकी प्राइस और क्वालिटी वगैरह क्या, उन्हें देखते हुए क्या एक्सपीरियंस रहा? देखो इनके जो बच्चे लोग हैं काम करने वाले, इनका हाथ खुल चुका है बिकॉज ये नंबर ऑफ व्हीकल्स बहुत है, इनके पास इनोवा हाई क्रॉस ही आ रही है। हाँ जी, तो हाँ जी। हाथ खुल गया बच्चों का काम करते हुए, सामान अच्छा है नो डाउट, बाकी जब चलाऊंगा फीडबैक तब दे पाऊंगा उसके बारे में, अभी तक बहुत अच्छा है। यानी इस टाइम सेटिस्फेक्शन वाली बात रही? अभी सेटिस्फाइड हूँ। क्या बात है, थैंक यू सर, आपकी वीडियो हमारे लिए वैल्यूबल रहेगी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो गाइस सारी चीज़ों के बारे में आपको बता देगा किस तरीके से आज ये टोयोटा इनोवा आई क्रॉस का बेस्ट वेरिएंट टॉप की तरफ गया करोल बाग में आकर, और जिस तरीके से दोस्तों गाड़ी के ओनर हैं उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उसे देखते हुए आप मुझे कमेंट करके बताना आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। और अगर आपकी कोई भी डाउट क्वेरीज है तो आप बेझिझक डिस्क्रिप्शन में डिस्प्ले पर नंबर होता दिख रहा, आप फुलफिल करा सकते हो। यही दोस्तों आज वीडियो में मिलेंगे इस तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।